नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, इंडोंग टी कंपनी का आईपीओ आ गया है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है, सेकंड कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, थर्ड पीयर कंपैरिजन और वैल्यूएशन चेक करेंगे। तो वैल्यूएशन में बेसिकली ये देखने वाले कि जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ ला रही है, क्या वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। फोर्थ आईपीओ की डिटेल्स चेक करेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। दोस्तों, कंपनी की बात करूं तो कंपनी 1990 में एस्टेब्लिश हुई थी, तो 32 ईयर्स से जो है कंपनी इस बिजनेस में है। और सेकंडली इनका जो बिजनेस है वो है टी मैन्युफैक्चरिंग का। तो इनका दोस्तों खुद का एक टी गार्डन है, जहाँ पे जो है जहाँ से वो मशीनों के थ्रू जो है टी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और बेसिकली इनकी अगर मैं गार्डन की बात करूं तो वो जो टी गार्डन है इनका वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं इनके बेसिकली, एक तो सीटीसी ब्लैक टी, एक एक ये प्रोडक्ट है, और दूसरा जो इनका प्रोडक्ट है वो है डेयरी यूनिट। तो दोस्तों इनका मोस्टली जो बिजनेस रहता है वो टी के थ्रू ही आता है, डेयरी से बहुत ही कम आता है। और यहाँ पे अगर टी में अगर आप देखोगे तो इनका जो मेनली जो मेन प्रोडक्ट है वो सीटीसी, जो इसको हम ब्लैक टी भी बोलते हैं, उसका मेन मैन्युफैक्चरिंग इनका रहता है। मार्च 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था अराउंड 17 करोड़ के आसपास था। मार्च 2021 में ये बढ़ के 23 करोड़ हो गया। फिर मार्च 2022 में जो है इनका रेवेन्यू कट के 20 करोड़ हो गया। तो वहां पे कंपनी ने दोस्तों रीजन बताया कि इनका रेवेन्यू क्यों डिक्रीज हुआ है। इनका रेवेन्यू इसलिए डिक्रीज हुआ है बिकॉज उस ईयर में जो है बारिश कम पड़ी थी। बारिश पर कम पड़ने की वजह से दोस्तों जो है वहां पे जो प्रोडक्शन होता है वो इतना हो नहीं पाता है, उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है इनके रेवेन्यू पे इम्पेक्ट आया हुआ है। और अगर मैं लास्ट 6 मंथ्स के रेवेन्यू की बात करूं तो अराउंड 13 करोड़ के आसपास का है। मतलब कि नेक्स्ट ईयर तक हम ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्च 2023 तक इनका जो रेवेन्यू होगा वो 26 करोड़ के आसपास का होगा। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे जो है 1 करोड़ का लॉस था कंपनी को मार्च 2020 में। वहीं 22 में इनका जो है प्रॉफिट अराउंड 1 करोड़ 31 लाख का है। और कंपनी का अगर मैं टोटल नेटवर्थ और की बात करूं, यहाँ पे नेटवर्थ प्लस रिजर्वेंस प्लस, तो अराउंड 200 इनका जो 32 करोड़ के आसपास का है। सामने इनकी जो बोरोइंग्स है वो अराउंड 10.5 करोड़ के आसपास की है। तो बोरोइंग्स में हमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है मार्च 2022 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में। लेकिन अगर आप पहले इनकी बोरोइंग्स देखोगे 2020 में तो 21 करोड़ के आसपास थी, अभी जो है 10.5 करोड़ के आसपास है। तो काफी इन्होंने बोरिंग्स पे डिक्रीज किया हुआ है, तो एक अच्छा यहाँ पे जो है हमें एक पॉजिटिव चीज हमें ये चीज देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों इनका ओवरऑल नेटवर्थ और रिजर्व्स तो अच्छा खासा है, लेकिन इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है बिकॉज रेवेन्यू जो है उसमें हमें इतना इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि लास्ट 6 मंथ का जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, प्लस इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी अच्छी खासी हमें यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। अभी दोस्तों पीयर कंपेरिजन की बात करें यहाँ पे तो 3-4 कंपनीज निकल के आ रही है। पहली तो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, सेकंड जो है गुड ग्रुप, थर्ड जो है दुनसेरीटी और फोर्थ जो है नीलमलाई एग्रो। तो इनमें से सबसे कम जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से वो इसी इंडिगो इंडोंग टी का ही निकल के आ रहा है, जो कि 12.26 का है। वहीं अर्निंग पर शेयर जो है 2.12 का है इस कंपनी का। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 15% का है। बाकी के अगर आप 4 प्लेयर्स देखोगे तो चारों प्लेयर्स का रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी कम है। तो उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे अगेन ये एक पॉजिटिव चीज हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी बात करूं तो 12.26 का पी रेशो है, जो कि बाकी के प्लेयर्स से काफी कम है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन भी जो है इसका काफी हमें रीजनेबल देखने को मिल रहा है। अभी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की बात करें तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स एक्सटेंशन अपरूटिंग एंड इनफिलिंग ऑफ टी प्लांटेशन एंड इंडिगो टी स्टेट जलपाईगुड़ी। तो यहाँ पे जो दोस्तों इनका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, प्लस इनको जो है एडिशनल इंस्टॉलेशन करना है प्लांट और मशीनरी का, जो कि इनका मैंने बताया था कि जलपाईगुड़ी में जो है इनका टी स्टेट है। तो वहां पे जो है इनको एडिशनल प्लांट और मशीनरी इंस्टॉलेशन करना है, उसके लिए जो है इनको फंड का रिक्वायरमेंट है। थर्ड जो रहेगा टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फोर्थ टू मीट इश्यू एक्सपेंसेस, और फिफ्थ जो रहेगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 9 फरवरी जो कि ऑलरेडी जो है इसका आईपीओ आ गया, और 13 फरवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपए प्रति शेयर और प्राइस जो रहेगा वो 26 रुपए प्रति शेयर। लॉट साइज जो है 4,000 शेयर्स का रहेगा।
इश्यू साइज जो है अराउंड 13 करोड़ का है, और पूरा का पूरा जो है फ्रेश इश्यू रहेगा। इसका लिस्टिंग बीएससी एसएमई पे रहने वाला है। यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स और रिटेल कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करूं तो मिस्टर हरिराम गार्ग फर्स्ट प्रमोटर है, सेकंड प्रमोटर है मिस्टर मदन लाल गार्ग, एंड थर्ड जो प्रमोटर है मेसर्स एशियन टी एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये तीन कंपनी के प्रमोटर्स है। अलॉटमेंट की बात करूं तो 16 फरवरी को अलॉट हो जाएगा, 17 फरवरी तक आपके डीमेट अकाउंट में रिफंड, आपके जो है बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा, इनकेस अगर आपको शेयर्स नहीं आ रहे तो। और इनकेस अगर आपको शेयर्स अलोकेट हो रहे तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 20 फरवरी तक, और लिस्टिंग डेट जो रहने वाला है इसका 21 फरवरी का रहने वाला है। लॉट साइज में मिनिमम 1 लॉट रहेगा 4,000 शेयर्स का, और मिनिमम जो आपको अमाउंट चाहिए होगी वो 1,04,000 रुपये चाहिए होगी। एचएटआई कैटेगरी में इनकेस अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 8,000 शेयर्स के लिए आपको मिनिमम जो अमाउंट चाहिए होगा वो 2,08,000 रुपये चाहिए होगा। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूं तो आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 96% की थी, आईपीओ आने के बाद 64% की रहेगी। मतलब कि ये कि दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर्स के पास भी जो है एक अच्छा खासा होल्डिंग रहेगा पोस्ट इश्यू, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज प्रमोटर्स का होल्डिंग अच्छा खासा है। प्लस इसमें जो है कंपनी का बहुत सालों से एक्सपीरियंस है, 1990 से जो है ये कंपनी है। हालांकि पहले प्रमोटर्स कंपनी के दूसरे थे, उसके बाद इस कंपनी को टेक ओवर किया गया, तो 2014 में जो है ये हरिराम गार्ग जी ने जो है इनको इस कंपनी को टेक ओवर किया गया। पहले के जो प्रमोटर्स थे वो अलग थे, तो ये चीज आप एक कंसिडर कर लेना वाइल अप्लाइंग दिस आईपीओ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें इन्होंने मेंशन किया इन द ईयर अगस्त 2014 द कंपनी हैज बीन टेकन ओवर बाय श्री हरिराम गार्ग एंड हिज एसोसिएट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी को टेक ओवर किया गया 2014 में। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं, तो पहला दोस्तों इसका जो टी का एक बिजनेस रहता है वो वेदर के ऊपर काफी डिपेंड रहता है, तो अगर वेदर अच्छा हुआ तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो रेवेन्यू अच्छा होगा, ठीक है। अगर वेदर खराब रहा, मतलब अगर बारिश नहीं मिली, तो फिर उस टाइम पे जो है प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इनके रेवेन्यू पे इम्पेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें यहाँ पे जो है 2020 में देखने को मिल रहा है कि इनका रेवेन्यू 23 करोड़ से डिक्रीज होकर ये 20 करोड़ के आसपास हो गया था, क्योंकि उस साल जो है बारिश कम होने की वजह से इनके रेवेन्यू में अच्छा खासा डिक्रीज हमें देखने को मिला था। तो ये ओवर ये जो टी का बिजनेस है ये वेदर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा, और आगे जाके मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे रेवेन्यू वो ये और इंक्रीज कर पाएंगे, बिकॉज जितना गार्डन होगा वो वहीं पर ही जो है यहाँ पे उनका जो है ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन होगा उतना ही होगा। हो सकता है कि अच्छी बारिश पड़ने की वजह से हो सकता है कि उस साल जो है प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हो जाए, लेकिन ये इसको स्केल नहीं कर पाएंगे ज्यादा। हाँ, जहां तक डेयरी इनके डेयरी बिजनेस की बात है, अगर उसको ही अच्छे तरीके से आगे चलाते हैं तो फिर वहां पे जो है इनका रेवेन्यू इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी जो है वो तो आगे फ्यूचर ही बता पाएगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अभी अभी की बात करें तो वैल्यूएशन जो है इनका रीजनेबल है, फाइनेंशियल्स ओके ओके है, और वैल्यूएशन रीजनेबल होने की वजह से ये दोस्तों यहाँ पे जो है हम एक रिस्क, ये रिस्की आईपीओ तो है फॉर श्योर, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये रिस्की आईपीओ नहीं है, ये रिस्की आईपीओ है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो और वैल्यूएशन इसका रीजनेबल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई दोस्तों जो है आप अपना रिस्क लेके करना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिस्की आईपीओ है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, बाकी जो है आप अपना एनालिसिस करना और उसके बाद ही जो है इसमें आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना है, बाकी मैंने अपना जो है डिसीजन आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।